गुरु रेमडी बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, चैनल की वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बुखार आना एक आम बात है, तो चलिए हम जानते हैं कि बुखार में हम कौन सी दवाई ले सकते हैं। आप ले सकते हैं पैरासीटामोल 650 mg टेबलेट, आप ले सकते हैं कोल्ड एंड सोल मेडिसिन, आप ले सकते हैं कीटोफ्रीन मेडिसिन, आप ले सकते हैं एस्प्रिन टैबलेट, आप ले सकते हैं क्रोसिन टैबलेट और उसकी सिरप भी आती है। पतंजलि की जो दवा होती है वो होती है दिव्य ज्वारन शक्ति, दूसरी है दिव्य ज्वारनाशक क्वाथ, आप ये दवाई ले सकते हैं। और जो घरेलू उपाय हैं वो है अदरक और शहद, हर घर में मौजूद होते हैं और इस उपाय के लिए हमें इन दोनों की ज़रूरत होती है। थोड़े से अदरक का रस निकालें, रस निकालने के लिए किसी चीज़ से अदरक को पीसें, इसके बाद अदरक के रस में अपने स्वाद अनुसार शहद मिलाएं और इसका आप सेवन करें, ऐसे बुखार जल्दी ही सही हो जाता है। और दूसरा उपाय है आप लहसुन भी ले सकते हैं, लहसुन क्योंकि इसमें भी एक गुण होता है जो बुखार के इलाज को दवाई में होते हैं। लहसुन की 5 कलियाँ लें और उन्हें घी में डाल के तवे पर सेक कर खाएँ, इससे आपका बुखार जल्दी सही हो जाएगा। एक और पतंजलि की दवा है, उसका नाम है दिव्य धारा लिक्विड फॉर्म में दवा आएगी, उसे खरीद लें और फिर लोटे पानी में पिए, इससे भी जल्दी से जल्दी बुखार सही हो जाता है। और जो अगला उपाय है वो 20-22 तुलसी ताज़ा पत्ते मिले और इन्हें करीबन 1 लीटर पानी में डालकर खूब उबालें, उसमें आप 4 से 5 लौंग भी डाल दें और पूरा तब तक उबालें जब तक कि उबल ना जाए, उसे पानी से आप पानी पीजिए और ये आपका बुखार जल्दी से जल्दी सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।